मुंबई के प्रसिद्ध बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर नेस्को ग्राउंड्स में प्लास्टिविजन 2023 एक्सपो का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश से हजारों बिजनेस लीडर्स एवं एंटरप्रेन्योर्स ने इस बिजनेस फेयर में अपने अपने एग्जीबिट्स लगाए थे। ब्रह्मा कुमारी प्रभु उपवन भवन सेवा केंद्र को भी माइंड स्पा मेडिटेशन एक्सपीरियंस के लिए 2 स्टॉल्स लगाने का मौका मिला। इस 5 दिवसीय एक्सपो में देश विदेश के 2,00,000 से अधिक लोगों का जन सैलाब यहाँ उमड़ा था। माइंड स्पा के माध्यम से प्लास्टिक को रीयूज और प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने की प्रेरणा देने वालों को अपने मन के वेस्ट थॉट्स को रिड्यूस करने की एवं पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की बेहतरीन टिप्स दी गई। लाभार्थियों को 3 मिनट मेडिटेशन एक्सपीरियंस के द्वारा इंस्टेंट माइंड रिलैक्सेशन का अनुभव कराया गया। इसमें सभी को मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट करने के लिए 4 चॉइसेस भी दी गई, जो कि ऑडियो मेडिटेशन, विजुअल मेडिटेशन, स्क्रोल मेडिटेशन और लिरिकल मेडिटेशन। दिनों में लगभग 6,500 से अधिक लोगों ने सेवा का लाभ लिया। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के विशेष सहयोग से ही ब्रह्मा कुमारी की यह सेवा संभव हुई। पंजाब इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एक्सपो नामक इस मेले के उद्घाटन समारोह में पंजाब की पर्यटन मंत्री श्रीमती अनमोल गगन मान के साथ हिंदी और पंजाबी फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता जिमी शेरगिल भी अन्य पदाधिकारियों के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र से बीके डॉक्टर किरण बहन ने अभिनेता जिमी शेरगिल को ईश्वरी सौगात और प्रसाद भेंट किया। हर साल की तरह सज चुका है पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो गुरु की नगरी अमृतसर में। 2005 से ये ट्रेड एक्सपो जो अमृतसर में लग रहा है और 2005 से ही ब्रह्मा कुमारीज को यहाँ पर ईश्वरीय संदेश जन जन को पहुँचाने के लिए एक स्टॉल मिल रहा है बिना किसी पैसे के गवर्नमेंट की तरफ से। और इस साल भी अमृतसर के सेवाधारी भाई बहन अपना स्टॉल लगा चुके हैं ये संकल्प लेके कि ईश्वरीय संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएंगे, ईश्वरीय प्रेम प्यार को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कमलजीत, पीस न्यूज अमृतसर। 7 से 11 दिसंबर तक चले इस 5 दिवसीय व्यापारिक मेले में लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा हर साल की तरह इस बार भी आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह ओजला और राज्य ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने भी आकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और ईश्वरी ज्ञान को सुना। इस अवसर पर बीके डॉक्टर किरण बहन, बीके पवन भाई, बीके राकेश भाई, बीके रमिता बहन, बीके नीतू बहन आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम कमलजीत सिंह है, I'm one of the organizer है। तो जो ये पाइटेक्स इज अ रेगुलर फीचर एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर ये लगता है, तो इस पे काफी इस काइंड ऑफ इंटरनेशनल फेयर और अमृतसर वाले बहुत ज़्यादा इसकी वेट करते हैं। एनुअल अफेयर बहुत फुटफॉल बहुत है और हर साल ब्रह्म कुमारी का यहाँ पे एक स्टॉल भी लगता है जो पाइटेक्स के ऑर्गेनाइजर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और इनको लाइक लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आती है ब्रह्म कुमारी के बारे में। तो क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आते हैं और इतने ज़्यादा मेरा ख्याल ब्रह्म कुमारी एज इट इज़ बहुत पॉपुलर है, तो इस फेयर में वो ज़्यादा उनको आउटरीच मिलती है। और जो एज फार एज फेयर इज कंसर्न, इसमें लास्ट मंथ लास्ट ईयर से ये इस साल एग्जिबिटर्स भी ज़्यादा हैं और इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स और डेलीगेट्स भी बहुत आ रहे हैं। इसमें उज़्बेकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, देन वी आर एक्सपेक्टिंग बांग्लादेश एंड किर्गिस्तान, सो दे आर ऑल कमिंग एंड शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट्स।